हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 9 के रैशनल नंबर का वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूं। पहले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि कैसे नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं और कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले फार्मूला मान लेते हैं कि ए और बी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब इसके बीच में कोई एक रैशनल नंबर निकालना है तो इसका फॉर्मूला a प्लस बी बाई टू होता है, याद रखिएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको कहेगा कि 1 बाई टू और 1 बाई थ्री के बीच में कोई एक रैशनल नंबर निकालिए, तो क्या करिएगा? बहुत आसान है, 1 बाई टू प्लस 1 बाई थ्री को ऐड कर दीजिए और इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी 1 बाई टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने का मतलब हुआ 1 बाई टू से मल्टीप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं, कितना होगा 1 बाई टू और ये कितना होगा, एलसीएम ले लीजिए 6, 3 प्लस 2 होगा बच्चों, और 1 बाई टू इंटू कितना हो जाएगा 5/6, यानी 5/12, इसके बीच का नंबर होगा 5/12। ठीक है, अब इसका डेसिमल में वैल्यू अगर देखोगे तो वैल्यू इन दोनों के बीच में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा रेशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं। एज पर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 3/4 और 7/8 के बीच में कोई नंबर निकालना है, तो 3/4 और 7/8 को ऐड कर दो और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा 1/2, एलसीएम हो जाएगा 8, 4 2 8 2 टाइम्स कटा, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करो बच्चों तो 6, 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 7 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 7, गुड। तो 1/2 इंटू 6 × 12 = 13/8 हो जाएगा, h = 13/16, इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकल गया। तो इस तरीके से अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तो एक फॉर्मूला हम लोग काम कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा कि चलिए सर आप क्या करिए कि 1/2, 1/3 एंड 1/2 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकाल दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, हम फर्स्ट निकालते हैं 1/3 + 1/2 और इसको क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू तो यही आएगा 5/12, यानी इसके बीच में कोई नंबर हमारा होगा 5/12। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल देते हैं, तो सेकंड नंबर कितना होगा 1/3 + 5/12 और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा 1/2, एलसीएम कितना होगा बच्चों 12 है, 12 और 3 का एलसीएम 12, 3 से कट जाएगा। देखिए एलसीएम भी निकालने का ट्रिक है, आपको बताते चलेंगे। 3 से अगर डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम 12 होगा, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, 12 से कट जाएगा 5 हो गया, यानी 1/12 × 9/12 हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 हो गया, यानी 3/8 कितना हो जाएगा 8। तो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आएगा 3/8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं इन दोनों के बीच में भी निकालते हैं, यानी थर्ड आ जाएगा मेरे पास क्या बच्चों 5/12, थर्ड हमारे पास आएगा 5/12 + 1/2 और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 एलसीएम हो गया 12, तो 5 हो गया, 2 × 6 = 12, 6 हो गया, तो 1/2 × 11/12 हो जाएगा, यानी 11/24 यहाँ आ जाएगा, 11/24 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकाल लिया। तो आप चाहें तो और भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, 4, 5, 6 भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, आगे बढ़ करके निकाल तो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग होगा, यानी ये मेथड 1, 2 या 3 रेशनल नंबर अगर आपको निकालना है उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ 5, 6, 7, 8, 10 ऐसा कुछ निकालना हो तो वहाँ पर इसका उपयोग करना मेरे समझ से अच्छा नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगला एक तरीका सीखेंगे, उस तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए अब सेकंड मेथड क्या होता है बच्चों, इसके बारे में देखते हैं। इसको निकालने का सेकंड तरीका भी है हमारे पास,
वो तरीका क्या होता है कि हम लोग इसको डेसिमल में बदल लेते हैं, जैसे 1/2, 1/3 और 1/2 है, डेसिमल में बदल, ये 0.33 हो गया, ये 0.50 हो गया। अब 0.33 और 0.50 के बीच का जो भी नंबर होगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी 0.34, 0.35 से लेकर के 0.49 तक का नंबर आ जाएगा। ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। तो आप देखिए इसमें तो 10 से ज्यादा रेशनल नंबर आ रहा है हमारा, तो डेसिमल में भी बदल कर हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब कोई इसमें मान लो कि कोई 10 या 12 या 15 जो आ रहा है, कोई बच्चा कहेगा कि हमको 20 से ज्यादा रेशनल नंबर बताइए, तो तुम कहोगे कि सर इसमें तो जगह नहीं है 20 से ज्यादा का, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो 0.333 लिख सकते हैं, और ये 0.500 हो गया, तो 333 और ये 500 के बीच में 100 से ज्यादा नंबर है, 150 से भी ज्यादा नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.334 हो गया, 0.335 हो गया, 0.336 हो गया, एंड सो 0.499 हो गया। तो इस प्रकार से बहुत से रेशनल नंबर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, डेसिमल में भी निकालने का तरीका है। तो अगर बहुत से रेशनल नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप डेसिमल में बदल कर निकाल लीजिए, ये भी एक तरीका है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, एक चौथे तरीका का चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगले में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि लाइक फ्रैक्शन में इन दोनों को बदल देते हैं, यानी इसका 2 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, इसमें क्या है इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/6 और ये कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 0 लगा देते हैं, देखिए चलिए 2 और 3 के बीच में तो कोई नंबर था नहीं, तो हम लोग 0 लगा देते हैं। अब 20 और 30 के बीच में नंबर है, 21/60, 22/60 ऐसे करके बढ़ेंगे 29/60 तक आपको नंबर मिल जाएगा, ये भी एक तरीका है निकालने का। तीसरा तरीका हो गया हम लोग का, ये तरीका ज़्यादा इजी है, डेसिमल वाला भी तरीका बहुत इजी था। अगर मान लो कि और ज़्यादा रेशनल नंबर आपको निकालना है तो 2/60 और 3, इसमें 10 और लगा देते हैं, तो देखिए 200 और 300 के बीच में बहुत से नंबर हो जाएंगे, 201/600, 202/600 ऐसे लिखेंगे, 201/600, 202/600, 203/600 ऐसे करके बहुत सा नंबर हम लोग इसमें लिख सकते हैं, लगभग 100 नंबर आएंगे। तो जब ज़्यादा नंबर निकालना है तो ये तरीका भी हम लगा सकते हैं और डेसिमल वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक और तरीका पर चर्चा हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक डिफरेंट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकालने हैं, जैसे मैंने कहा कि 5 निकालना है, 6 निकालना है, तो क्या करें, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है। मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर x है और लास्ट में रेशनल नंबर y है, इसी के बीच में कहता है कि 5 रेशनल नंबर आप निकाल दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डी निकालते हैं, डी का फॉर्मूला है y-x/(n+1), ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है रेशनल नंबर का फॉर्मूला है कि x+nd, दूसरा ये फॉर्मूला है। अब इसी दोनों फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, इस मेथड से 5, 10, 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको पूछा भी जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वही हम लोग का एग्जाम्पल है, 1/3 है और 1/2 है, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है मुझे, यानी n=2 कितना है मेरा 5, एक 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो सबसे पहले d निकालिए, तो y-x/(n+1) होता है, y का वैल्यू कितना है बच्चों, y बड़ा वाला नंबर होता है हमेशा, 1/2 - 1/3/n का वैल्यू कितना है 5+1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 6, तो मेरा कितना होगा बच्चों, ये 3-2 और डिवाइडेड कितना होगा 6, तो आगे बढ़ते हैं, कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1/6 और डिवाइडेड बाई 6 का मतलब होता है नीचे मल्टीप्लाई कर देना,
केवल एक ही नंबर अगर डिवाइड में है तो इसका मतलब होता है नीचे मल्टीप्लाई कर देना, एक कितना हो जाएगा 1/36 हो जाएगा, डी का वैल्यू निकल गया। अब आइए डी का वैल्यू अगर आ गया तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखिए एक्स यानी छोटा नंबर, तो छोटा नंबर हम लोग के पास कितना है 1/3 है प्लस एम डी, इनको एन ही अभी छोड़ दें और डी का वैल्यू कितना है 1/36 ये निकल गया। अब यहां से आगे बढ़िए, फर्स्ट रेशनल नंबर निकालिए, फर्स्ट निकालना है तो एन का वैल्यू 1 डाल दीजिए, 1/3 प्लस एन के ऊपर कितना डालना है 1, तो 1 × 1/36। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 13/36। सेकंड रेशनल नंबर निकाल लीजिए बच्चों, तो 1/3 प्लस 1 के ऊपर क्या लिखना है 2, जो कि सेकंड निकाल रहे हैं 1/36, डिवाइड नहीं करिए, एक कट तो रहा है लेकिन डिवाइड नहीं करिए, देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम तो वही 36 होगा, एक 12 होगा, ये भी वही होगा, बस फर्क यही होगा 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 और 12/2 कितना हो जाएगा 14/36। थर्ड रेशनल नंबर निकालिए, तो 1/3 प्लस 3 × 1/36 होगा, फिर डिवाइड हो रहा है लेकिन मैं बोला था कि डिवाइड मत करिए, इतना लिखिए एक 12 हो गया प्लस यहाँ फर्क पड़ेगा 3 यानी 15/36 हो गया। इस तरीके से आगे बढ़िए, फोर्थ रेशनल नंबर निकालिए, तो 1/3 प्लस 4 × 1/36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 12 प्लस यहाँ कितना होता है बच्चों 4 × 1 कितना होगा 4, 12/4 कितना होगा 16/36, ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ का भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग चाहें तो इस मेथड से जो बुक में भी आपको दिया हुआ है, इस मेथड से बहुत से रेशनल नंबर का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके बुक में ये मेथड दिया हुआ है। अब इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करेंगे। अब मान लेते हैं कि 2 पॉइंट क्वेश्चन कहता है कि इंसर्ट, या क्वेश्चन है भी आर एस अग्रवाल का बुक है कि इंसर्ट 1.16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2, तो आप चाहो तो इस मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन डेसिमल वाला मेथड मैंने बताया था, आप 2 को 0 लगा दो, जैसे 2.1 और 2.2 का जिक्र कर रहा है, इसके बीच में 16 रेशनल नंबर, तो एक 0 लगा दो, 0 लगाओगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा, 16 को तो आएगा नहीं, तो क्या करो एक और 0 लगा दो, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 2.0101, 2.102, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाओ 2.10, 2.16 तक चले जाओगे, 16 को निकल गया। अगर और ज़्यादा निकालना है तो और ज़्यादा लिखेंगे। अब निकालने में ये जरूरी नहीं है कि सभी नंबर इक्वल डिस्टेंट हो, ये जरूरी नहीं है, हमको बीच का नंबर पूछा था, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इतना हम लोग रेशनल नंबर पढ़ लिए, कैलकुलेट कर लिए, अब हमारे पास क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर फाउंड बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। देखो ये दोनों रेशनल नंबर था, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट, जैसे 2.1 और 2.2 है, दो रेशनल नंबर है, कितने लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, इसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर है बच्चों, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग अब देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अब देखेंगे कि डेसिमल में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज बनाइएगा, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसमें देखिए 1/2 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10 ले लेते हैं, इस प्रकार से हम लोग कई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको डेसिमल बदलिए, इसको डेसिमल बदलेंगे तो कितना होगा 0.5,
0.33 लगातार बढ़ते जाएगा, एक 0.25 होगा, एक 0.2 होगा, एक 0.1 40 हो जाएगा, 6×36 लगातार जाएगा, एक 0.13 हो जाएगा, तो 3 होगा तो 30, 6×28 230, 7×14 6×7 56 4×40 7×5 35 5×50 47 49 फिर यही आएगा 142857 ऐसे बढ़ते जाएगा। इसका आएगा 0.125 आएगा बच्चों, और इसका 0.1 आएगा, 1 ऐसे बढ़ते जाएगा, और इसका 0.1 आएगा। तो ये सारे रेशनल नंबर थे, इन सबको मैंने डेसिमल में बदल लिया, मेरे लिए सुविधाजनक था कि मैं बदला। अब आप अगर इसको देखोगे तो इसमें दो प्रकार के नंबर आपको मिलेंगे, एक वो नंबर है जिनमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी इसमें डिवीजन लास्ट हो जा रहा है, ऐसे देखिए इस प्रकार के नंबर, और एक ऐसे नंबर है जिसमें डेसिमल जिसमें डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, वो लगातार चलते जा रहा है और आपका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है जिसमें डेसिमल लास्ट जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग, आज इसमें नहीं होता है इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब कि रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो हमें दो प्रकार का नंबर मिलेगा, एक टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब देखिए डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर की अगर चर्चा करें तो हमारे पास दो प्रकार के नंबर आते हैं डेसिमल फॉर्म में, एक वो नंबर है जो टर्मिनेट कर जा रहा है और दूसरा नंबर वह है जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसको क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके बच्चों, यानी हमें दो प्रकार के नंबर मिल रहे हैं, हमने देखो हमने जबरदस्ती नहीं लिखा है, हमने तो निकाला है और बाकी नंबर इसी के फॉर्म में कुछ रहेंगे, तो दो प्रकार के नंबर मिल रहे हैं डेसिमल में, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल में तो ये समझ गए, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग, कहने का मतलब कि उसमें नंबर जो है रिपीट होते रहता है, और दूसरा नंबर होता है नॉन रिपीटिंग, यानी उसमें नंबर रिपीट नहीं होता है। जैसे आप देखो ना यहीं पर ध्यान से देखो, ये 3333 क्या होगा रिपीट हो रहा है, 3 बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, यहाँ देखो 6666 क्या होगा रिपीट होगा, यहाँ देखो ना पूरा का पूरा इतना नंबर 142857 ये बार बार रिपीट होगा, तो इस प्रकार के नंबर आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि देखिए ये दोनों कैटेगरी का नंबर जो है, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ये दोनों नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों रेशनल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई, इन दोनों नंबर को ही हम लोग क्या कहेंगे, चूंकि तो रेशनल नंबर से ही निकला था, तो डिफिनेशन रेशनल नंबर का यह भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए, रेशनल नंबर का एक डिफिनेशन तो पी बाई क्यू के फॉर्म में था, लेकिन एक डिफिनेशन यहां भी आएगा कि ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द रेशनल नंबर, ये भी डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। और ए नंबर जो बच गया बच्चों, ए नॉन टर्मिनेटिंग वाला, यही नंबर होता है इरेशनल नंबर, इसकी चर्चा हम लोग इरेशनल नंबर वाले चैप्टर में आएंगे तो करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल में हमने देखा कि कैसे कोई नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये मुझे पता चल गया, लेकिन ये सारी बातें डिवाइड करने के बाद पता चली, क्या हम लोग कोई ऐसा रूल बना सकते हैं या कुछ ऐसा रूल हो सकता है जिसमें मुझे ये पता चले कि यह नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बिना डिवाइड किए हुए। तो देखिए ध्यान से, टर्मिनेटिंग वाले का जरा ध्यान से देखो बच्चों, टर्मिनेट यहाँ किया है तो ये नंबर 2 है, यहाँ क्या है ये नंबर 4 है, नीचे डिनोमिनेटर में देखो 4 है,
लेकिन आप ध्यान से देखो हमारे पास नंबर क्या क्या है। डिनोमिनेटर में q बराबर अगर 2 है तब भी बात बन गई, q इक्वल टू 4 है तो 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर तब भी बात बन गई, 5 है तब भी मेरा बात बन गया। अब आगे बढ़िए, आगे मेरा 8 में आया है तो 2 का पावर 3 हो गया तब भी बात बन गई। आपको 10 में आया है बच्चों तो 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं तब भी बात बन गई। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 1/20 ले ले वो भी टर्मिनेट कर लेगा, 0.05 होता है तो 20 को कितना लिखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि q का वैल्यू 2 और 5 के मल्टीपल में, यहाँ m और n, mn बहुत चेंज हो सकता है बच्चों, चूंकि यहाँ पर n लिख दे यहाँ पर m लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वीवीआई क्वेश्चन पूछता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो जिसके डिनोमिनेटर में अगर ये होगा q का एक फॉर्म होगा एक टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जिसके भी q का वैल्यू यानी डिनोमिनेटर का वैल्यू 2 और 5 के प्राइम फैक्टर में आएगा। यानी आपको क्या करना है इसके लिए कि q यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, अगर उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 आए केवल 5 आए या 2 एंड 5 दोनों आए तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अगर इन 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यही पर देख लीजिए, 6 यहाँ 2 एंड 3 आया तो 2 के अलावा 3 आ गया इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। कहीं और देख सकते हैं आप, 9 का देखिए 3 आया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग है, 7 देखिए 7 तो 2 और 5 कुछ है ही नहीं उसमें तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो एक नंबर में इसको टिक लगाने के लिए भी पूछेगा और क्वेश्चन भी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल सो विदाउट द एक्चुअल डिवीजन। आप दिखाइए बिना एक्चुअल डिवीजन का, यानी डिवाइड आपको नहीं करना है लेकिन आपको बताना है कि वो नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो देख लेते हैं उसमें क्या होगा बच्चों, जैसे आपको क्वेश्चन है 5/24 टर्मिनेट करेगा कि नहीं, तो q बराबर कितना हो जाएगा 24 और 24 को क्या लिखेंगे बच्चों, 2 का पावर 3 इंटू 3 लिखेंगे। ये जो है आपका 2 इंटू 5 के पावर m और n, फॉर्म नहीं है, फॉर्म नहीं है इसका, इसीलिए इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको। अगर मान लेते हैं कि 3/32 दे दे बच्चों तो क्या करेंगे, यहाँ पर q इक्वल टू 32 है, 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं और ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इस फॉर्म में है। अब बच्चा पूछेगा तुम लोग कि भाई सर यहाँ 5 है, यहाँ 5 कहाँ दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं है 5 नहीं दिख रहा है मुझे, 2 का पावर 5 है, इसको 5 का पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, 5 का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो 2 एंड 5 के फॉर्म में ऑलरेडी है, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये मैंने दो एग्जांपल बता दिया कि कैसे आपको लिखना है कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसको कैसे लिखेंगे, ये बात बन गई। अब आते हैं बच्चों अगला जो हमारा टर्म है वो रिपीटिंग डेसिमल का आया था रेशनल नंबर में, तो रिपीटिंग डेसिमल जैसे मान लेते हैं कि 1/3 का मैंने लिखा तो 0.3333 बार बार आ रहा था तो कितना बार लिखे, कोई सवाल पूछेगा कि कितना बार इसको लिखो बच्चों, कोई कहेगा कि मैं 2 बार लिखूंगा, कोई कहेगा कि मैं 5 बार लिखूंगा सर, कोई कहेगा चलो सर मैं 1000 बार लिखता हूँ, पूरा एग्जाम का घंटी बज जाएगा, लिखते रहो 1000 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों, देखिए 0.3 तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 3 के ऊपर क्या डालेंगे रेकरिंग, इसको क्या पढ़ते हैं रेकरिंग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 1/ जैसे 7 का आया था बच्चों तो 0.12 14 2857 शायद आया था, 0.14 2857 ये बार बार आ रहा था, इसके ऊपर हो जाएगा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रेकरिंग में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नंबर को, क्या पढ़ते हैं इसको रेकरिंग पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक चीज और देखिए, कभी कभी दिया हुआ है इसकी जरूरत नहीं, ऐसे कितने डिजिट पर रेकरिंग है, 6 डिजिट पर है
तो इसको पीरियड ऑफ रेकरिंग कहते हैं। यहाँ पीरियड ऑफ रेकरिंग कितना है, वन, कितने डिजिट पर रेकरिंग है ये पूछा गया है हमसे। इस पर एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी है वो यही क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको हटाइए, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। आते हैं बच्चों, देखते हैं क्या कहता है एनसीईआरटी की बुक। आप लोग को तो पिलाया जाता है घुटी की एनसीईआरटी बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, बाकी भाई बनाइए। देखिए 1/7 पर डिक्शनरी बदलना है बच्चों, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में मिल जाएगी, तो 1/7 पर डिक्शनरी रिप्रेजेंटेशन करना है, ऐसे कर लेना डिवाइड करके साइड में। अब देखो आपको कहता है कि 2/7 का वैल्यू बताइए भाई, 2/7 का वैल्यू बताइए। तो देखो ना 2 × 1/7 लिख सकते हैं इसको, 2 × 1 तो 2/7 ही हो जाएगा, 2 को 2 छोड़ दो बच्चों, 1/7 को कितना लिख सकते हो, 0.142857 ऐसे हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 × 14, 5 × 10 और 1 × 11 और 8 × 16 और 1 × 17 और 2 × 4 और 1 × 5 और 4 × 8 और 1 × 9 और 2 × 1 = 2 ये हो जाएगा बच्चों ऐसे। आज इन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इतना आ जाएगा। अब मान लेते हैं इसी में आपको कहता है कि 3/7 का वैल्यू निकालो भाई, तो 3 × 1/7 कर दोगे, 3 × 1/7 का जो वैल्यू है ये 0.142857 है। अब मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 7 × 3 = 21 कैरी हुआ 2, 5 × 3 = 15 आधु 17 कैरी हुआ 1, 8 × 3 = 24 और 1 = 25 कैरी हुआ 2, 3 × 6 आधु कितना हो गया 8 और 4 × 3 = 12 1 × 3 = 3 और 1 = 4 हो गया, पॉइंट यहाँ डाल दो, इसके ऊपर रेकरिंग लगा दो सब। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इसमें 6/7 तक निकालना है तो एक एक करके सब ऐसे निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, आगे ये बात भी हो गई। अब हमारे पास अगला टॉपिक है कि अगर कोई नंबर, मिटाता हूं अब देखिए, देखो बच्चों अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 0.3 रेकरिंग और इसको कहेगा कि P/Q के फॉर्म में बदलो, किसी किसी बुक में इसको भार्गव फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहता है, रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको लिखो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों। देखो कैसे बदलते हैं, लेट x = 0.3 पर रेकरिंग, इसको एक्स मान लेना है, जो भी देगा उसको एक्स मान लेना है। इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक बार वो वैल्यू चाहिए जिसमें डेसिमल और रेकरिंग के पहले हो, और एक बार मुझे वो वैल्यू निकालना है जिसमें डेसिमल और रेकरिंग के बाद हो, बस यहीं से मेरा काम बन जाएगा। तो इस वाकन यहाँ रेकरिंग के पहले डेसिमल है तो यही मेरा इक्वेशन बन हो जाएगा बच्चों। अब मुझे क्या चाहिए, रेकरिंग के बाद डेसिमल चाहिए, यानी डेसिमल अब मुझे इधर चाहिए, तो एक डिजिट राइट जाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो 10x हो जाएगा, इधर रहेगा तो 3.3 पर रेकरिंग, ऐसे डालोगे इक्वेशन सेकंड हो गया। मैं जरा यहाँ पर डिटेल्स आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ था, तो जरा देखो 0.3 का रेकरिंग × 10 मुझे करना था बच्चों, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 0.33333 × 10 लिख सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा बच्चों, डेसिमल एक डिजिट इधर जाएगा तो 3.333 ऐसे जाएगा बच्चों, इसको 3.3 इसको तो रेकरिंग डाल सकते हैं, ये हो सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। कहने का मतलब है कि नंबर जब डेसिमल के बाद आप डेसिमल ले जाइएगा रेकरिंग, रेकरिंग के बाद डेसिमल, तो रेकरिंग को फिर से लिख दीजिए, वो डायरेक्टली याद रखिएगा, और यही पहला और दूसरा इक्वेशन होता है। अब कुछ नहीं करना है, आप सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए, तो इसका LHS 10x माइनस कर दीजिए ऊपर वाला x, इसका LHS 3.3 का रेकरिंग माइनस 0.3 का रेकरिंग, ठीक है घटाइए बच्चों, ये कितना हो जाएगा 9x। यहाँ एक बात एकदम याद रखिए कि डेसिमल के बाद वाला एकदम जीरो हो जाएगा, तो डेसिमल के बाद वाला आपको घटाना ही नहीं है, आपको सिर्फ आगे आगे वाला 3 − 0 कितना हो जाएगा 3। अब x = 3/9 कट जाएगा, 3 × 3 = 1/3,
यानी 0.3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/3 लिख सकते हैं। अब याद रखिएगा, इसके पहले अभी जो मैं कैलकुलेशन किया था उसमें लाया था कि 1/3 का डेसिमल में कितना होता है, 0.3 होता है। ओके, कोई दूसरा नंबर हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं बच्चों। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बनाते रहिएगा, मैं तब तक आगे जब मुझे लगे कि आप पीछे वाला टर्म नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके पॉज कर लीजिएगा और फिर अपना लिख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं क्लास तो है नहीं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, 0.025 को हमको बदल देना है वही P/Q के फॉर्म में। तो लेट करो, लेट x इक्वल टू 0.25, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, एक बार डेसिमल रेकरिंग के पहले, तो यहाँ रेकरिंग के पहले डेसिमल है इसलिए यही इक्वेशन 1 हो जाएगी, और एक बार डेसिमल रेकरिंग के बाद करना है, यानी रेकरिंग तो 2.5 पर है तो डेसिमल 5 के बाद लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के बाद यानी दो डिजिट, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो डिजिट का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 25 पॉइंट। अब मैंने बताया था ना कि रेकरिंग को फिर से लिख देना है ऐसे ही, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। आप सेकंड माइनस फर्स्ट कर लीजिए, तो 100x माइनस एक्स